गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम पहला चैप्टर होगा संख्याओं की समझ, ठीक है। इसके पहले हम पढ़े थे बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को सभी बातें बता चुके हैं। आज हम समझेंगे संख्याओं की समझ, संख्या क्या है, ठीक है। संख्या निर्माण कैसे होता है ये आप लोग हम पहले भी बता चुके हैं कंसेप्ट में, तो फिर उसे हम रिपीट करेंगे आज क्लास में, आप लोग ध्यान से देखेंगे। संख्या, अब समझेंगे संख्या, संख्या क्या है। तो शून्य से यानी जीरो से लेकर के नौ तक के अंकों को ही मूल अंक कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं अंकों के प्रयोग से ही किसी भी संख्या का निर्माण होता है, चाहे वो कोई भी बड़ी बड़ी संख्या हो या छोटी छोटी संख्या, ठीक है। पहले लिखेंगे मूल संख्या, ठीक है, सॉरी यहां लिखेंगे पहले मूल अंक। ये आपको पहले में बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें लिखेंगे जीरो यानी जीरो से नौ तक की, जीरो से नौ तक की अंकों को, जीरो से नौ तक की अंकों को ही, अंकों को ही मूल अंक कहा जाता है, ठीक है। अंकों को ही मूल अंक कहा जाता है। मूल अंक कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखा गया है जी, तो जीरो से नौ तक के अंकों को ही मूल अंक कहा जाता है। इसके आगे लिखेंगे इन्हीं अंकों के प्रयोग से, इन्हीं अंकों के प्रयोग से, इन्हीं अंकों के प्रयोग से, इन्हीं अंकों के प्रयोग से कोई भी बड़ी से बड़ी, कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, या छोटी से छोटी संख्या का निर्माण होता है, छोटी से छोटी संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। लिखा गया है कि इन्हीं अंकों के प्रयोग से कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का निर्माण होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे संख्याओं की तुलना, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो तुलना से पहले हम बता देते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। यहाँ पर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे बड़ी संख्या, ठीक है, इधर लिख लेंगे छोटी संख्या। आगे लिखेंगे छोटी संख्या। अब आपसे पूछा जाए कि एक अंक की बड़ी संख्या क्या है, क्या आपका उत्तर होगा जी, ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए इसे आप बच्चे नोट करेंगे, मैं लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे एक अंक की बड़ी संख्या,
क्या की परिसंख्या क्या दिया गया आपको हेडिंग में, तो ये हो जाएगा 9 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 9 होगा आपको, एक अंक की बड़ी संख्या। फिर ऐसे लिखेंगे दो अंक की बड़ी संख्या, दो अंक की बड़ी संख्या, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 99 अर्थात 99। ऐसा ही अंक आते जाएंगे, अब लिखेंगे तीन अंक, ठीक है, लिखेंगे अपने तीन अंक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 999, ठीक है। फिर लिखेंगे चार अंक, यानी चार अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा जी, ये हो जाएगा 9999। फिर लिखेंगे पांच अंक की बड़ी संख्या, तो इसमें पर क्या हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा 99999, यानी पांच बार लिख देंगे 9 को, ये रहा आपको। ऐसे भी आप और भी आगे से बढ़ा सकते हैं, छह अंक का लिखना होगा तो यहाँ छह बार लिख देंगे 9 को, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं छोटी संख्या, यहाँ लिखेंगे एक अंक की छोटी संख्या, क्या होगा जी, यह तो हो जाएगा एक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1 होगा एक। फिर लिखेंगे दो अंक की छोटी संख्या, दो अंक की छोटी संख्या, अब देखिए यहाँ तो एक अंक का तो एक लिख दिया, ठीक है, और आपको जैसे जैसे इधर अंक बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे एक पर उतना ही शून्य बढ़ते जाएगा, समझे कोशिश कीजिए। जैसे आपको यहाँ लिखा गया कि एक अंक की छोटी संख्या क्या है, एक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे अंक बढ़ेगा, हमारे यहाँ लिखा गया दो अंक की छोटी संख्या, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक और इस पे एक जीरो, अर्थात पहले का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका अंक बढ़ेगा वैसे वैसे एक पर शून्य की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया दो अंक, यहाँ क्या लिखा है, एक पर एक शून्य। फिर यहाँ लिखेगा आपको तीन अंक पूछा जाएगा कि तीन अंक बताइए छोटी संख्या, तो क्या लिखेंगे जी, यानी एक पर कितना, एक पर दो जीरो, कितना हो गया 100, यानी 100 हो गया। ऐसे फिर लिखेंगे चार अंक का, तो इसके लिए क्या लिखेंगे जी, चलिए मान लीजिए चलिए लिख सकते हैं एक पर, ठीक है, 30, यानी एक पर 30 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1000। कैसे लिख सकते हैं पांच अंक के लिए, ठीक है, जैसे जब अंक बढ़ेगा वैसे वैसे एक पर शून्य की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ लिखेंगे आपको एक पर 40, यानी 10,000, ठीक है, आप इसके आगे भी द्वारा लिख सकते हैं, छह कर सकते हैं, तो एक पर लिखेंगे 50, ऐसे आपका अंक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका छोटी संख्या और बड़ी संख्या का कंसेप्ट, अब बढ़ते हैं इसके आगे संख्याओं की तुलना, ठीक है, इसे मिटाएंगे। अब यहां लिखेंगे आप लोग संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना है कैसे होता है, ठीक है, संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना, और देखिए इसे तुलना कैसे लेता है, ठीक है, इसमें तीन प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तुलना के अंतर्गत, एक बड़ा चिन्ह का, एक छोटा चिन्ह का और बराबर के चिन्ह का। देखेंगे इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के गणितीय चिन्हों का
इसके अंतर्गत तीन प्रकार के गणितीय चिन्हों यानी प्रतीकों का गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो निम्न है, जो निम्न है। अब यहां ध्यान देंगे, पहला लिखेंगे अपने आप में, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं क्या जी, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन। और ये जो आपका मान होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बराबर। ठीक है, तो ये चिन्ह तीन है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। अब इसका आप क्या होता है समझेंगे, इसका अर्थ यह होता है कि जो अंक या को जो भी संख्या इसके अंदर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पांच है और आठ है, इसके तुलना करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इसको इस रूप में दर्शाना है ग्रेटर देन के अनुसार। इसको कैसे लिखेंगे जी, तो इसको लिख सकते हैं क्या जी, लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन फाइव। अब इसका अर्थ क्या है जी, जो भी अंक या संख्या इस चिन्ह के अंदर होगा, ठीक है, इस चिन्ह के अंदर होगा वो अंक या संख्या बाहर वाले अंक या संख्या की तुलना में सदैव बड़ा होगा। ठीक है, समझेंगे फिर से, कि कोई भी संख्या या अंक इस चिन्ह के अंदर होगा तो वो संख्या या अंक बाहर वाले अंक या संख्या की तुलना में बड़ा होगा। ठीक है, और इसको मान लीजिए, इसमें मान लीजिए यही मान लीजिए फाइव कमा एट, और इसको दर्शाना है तो ये लिखेंगे फाइव लिखेंगे यहाँ और एक लिखेंगे इसके अंदर। इसका भी अर्थ क्या है जी, कि एक क्या है फाइव से बड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ आ गया बराबर, तो यहाँ दूसरा अंक मान लीजिए लेते हैं टू कमा टू, तो ये दोनों क्या है जी, सुन सकते हैं टू इज इक्वल टू टू, यानी क्या है दोनों बराबर है। इस पर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे दर्शाएंगे बराबर चिन्ह से, अच्छे दर्शाएंगे लेस देन इसको ग्रेटर देन। ठीक है, तो आज आपको इतना जान गए मूल संख्या सॉरी मूल अंक, संख्या का निर्माण, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और संख्याओं की तुलना। इसमें कुछ और आपके कंसेप्ट है, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज वीडियो में इतना ही, ठीक है, इसे आप नोट करें और फिर समझने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।